देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरा सब व्यस्त हैं खून गरीब का पीने में, तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुना उदय, दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब मेरी आंखों के सामने ताज पुलवामा छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के शत विशत अजले शरीर के टुकड़े, रेत के टीलों से ऊपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सनी लाल रंग की सड़कों के दृश्य सामने आते हैं। उस पर मेरे प्रतिपक्षी महोदय का कहना ये कि मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए देश से उग्रवाद और आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है। महोदय, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल फहराने से ज्यादा मैं कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूं। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब बूढ़ी माँ अपने बेटे के चित्रों को देखकर बोली कि साहब, आप तो भर्ती में एक इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। महोदय, विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। महोदय, क्या है, क्योंकि महोदय फूल को श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं, और एक वीर को झनकार दो ये मुमकिन नहीं, जो हाथ बांध दे सेना के, ऐसे मानवाधिकार का पालन संभव नहीं। महोदय, आज सत्य निष्ठा के मार्ग पर चलते हुए भी हमारे देश का जवान इन आतंकवादियों, इन पत्थरबाजों से डरता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट को हिट नहीं भी करेगी तो भी 400 मीटर तक जाएगी, और यदि इस बीच वो किसी निर्दोष को लग गई तो महोदय हमें अपनी नौकरी से हाथ तक धोना पड़ सकता है। और महोदय, अपनी नौकरी को बचाने की खातिर एक जवान आज ये सोचता है कि चाहे सांप मरे या ना मरे, परंतु लाठी नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पर भी रोब डाला जा रहा है। अरे, हम ही तो बुनियाद है आंतरिक सुरक्षा की, और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है। अभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, तो मैं भारत की बेटी अपनी भारतीय सेना की तरफ से आज ये ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। महोदय, अंत में अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि नाम की दुहाइयां देने वालों, सीमा पर लड़ा नहीं जाता चरखों से शोलों के आगे, रामायण पढ़ी नहीं जाती सीमा पर गोलों के आगे, धरती के घोर कुहासे को एक सूरज ही हर सकता है, क्योंकि एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। जय हिंद, जय भारत। वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी, बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे तुम्हें मरना होगा, आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी, आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है या शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। अजानु बाहू ऊंची करके वे बोले, रक्त तुम मुझे देना, बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारे कोसों तक छाए जाते थे, हम देंगे देंगे रक्त बस यही शब्द सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष, वह आगे आए जिसके तन में भारतीय खून बहता हो, वह आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो इस खूनी हस्ताक्षर करता हो, मैं कफन बढ़ाता हूँ, वह आगे आए जो इसे हंस कर लेता है, सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं हम आते हैं, माता के चरणों में हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। दूस दिन देखा साहस से भरे युवक बढ़ते ही जाते थे, चाकू छुरी कटारों से वे अपना रक्त बहाते थे, फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे और आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा भारत के महावीरों ने खून से इतिहास नया। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।